गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज का टॉपिक मैं नया लेके आया हूँ, जिसमें हिंदी के कुछ सिलेक्टेड ब्लॉम्स शब्द का मटेरियल लिया गया है। वो सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ प्रमुख वीडियो ब्लॉम शब्द के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे, क्योंकि जो यूपीपीसीएस के थ्रू RO ARO होना है उसमें क्या है कि 60 नंबर की हिंदी आना है। कितने नंबर की आना है? 60 नंबर की हिंदी आना है, यानी 60 क्वेश्चन आना है। तो उसमें क्या होगा कि 6.8 में डिवाइड है हिंदी, और 60 10 क्वेश्चन उसमें विलोम शब्द के रहेंगे, ठीक है। और अभी यूपी पुलिस GD हिंदी हर एग्जाम का एक मुख्य पार्ट है, और करीब 20 से 25 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हम लोग देर ना करते हुए ये आज की विलोम शब्द वाली सीरीज स्टार्ट करते हैं। चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आप लोगों ये भी बताएंगे कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें। चलिए देख लेते हैं कि जो विलोम शब्द ये क्या है, सारे ये सारे विलोम शब्द हैं। क्या है विलोम शब्द? ये सारे विलोम शब्द हैं, ठीक है। तो इधर देखेंगे, चलिए विलोम शब्द की बात करेंगे। अनुदार, अनुदार का विलोम शब्द क्या होगा? अनुदार का विलोम शब्द हो गया प्रतिक्रियाशील। क्या होगा? प्रतिक्रियाशील होगा। अधिकृत का क्या होगा? अनाधिकृत हो गया, ठीक है। सुपर फास्ट रिवीजन क्लास में ये लोग देखें। अंतर्मुखी का क्या हो जाएगा? बहिर्मुखी हो जाएगा। और अश्लील का क्या हो जाएगा? सलील। अंतर्मुखी मोस्ट मोस्ट सा लग रहा। अब अंधकार, अंधकार का क्या हो जाएगा? प्रकाश। अनाधिकार का साधिकार, अभिव्यक्त का अनभिव्यक्त, अपना का पराया। कुछ बहुत सिंपल भी इसमें डाले गए हैं। अव्यय का निरव्यय, अभी जो नेक्स्ट वीडियो में कंटेंट आएंगे वो दमदार आएंगे। अव्यय और निरव्यय, आर्स अनार्स, आवर्षण अनावर्षण। उज्ज्वल, उज्ज्वल का क्या हो जाएगा? धूमल। इसको स्टार लगाओ, क्यों लगाओ? कि एक ये शुद्ध अशुद्ध में आ जाता है। 2011 में जो TET हुई थी उसमें उज्ज्वल का सही शब्द पूछा गया था। इसमें क्या होता है कि एक आधा जाए पूछा जाए, उज्ज्वल का क्या हो जाएगा? धूमल। और ऋजु का क्या हो जाएगा? वक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऋजु का? वक्र हो जाएगा। उपकारी का अनुपकारी, और रित का अनर्थ, कलयुग का सतयुग। खाद्य का खाद्य, एहेक का पारलौकिक, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एहेक, एहेक का पारलौकिक, कर्मिष्ट अकर्मिष्ट, चिंतित चिंता रहित। ज्वलनशील का हो जाएगा समनशील, गहन का पुलिन, जागृत का सुप्त, जितेंद्रिय इंद्रिया सक्त। तम का ज्योत्सना, तम का क्या हो जाएगा? ज्योत्सना। ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, क्योंकि इसमें शुद्ध अशुद्ध में भी पूछ लिया ज्यादा ज्यादा है। ज्योत्सना, सुगंधामिनी, दैदिप्यमान का हो जाएगा तिमिरांकित, नगर का, नगर, नगर क्या हो जाता है? सिटी में जो आते रहते हैं उसको नगर बोलते हैं, और गांव को ग्राम बोलते हैं। तो नगर का क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा। निर्दिष्ट का अनिर्दिष्ट हो जाएगा, प्रमाणिक का अप्रमाणिक, ठीक है। प्रमेय, ऐसा जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसको प्रमेय बोलते हैं। रेखागणित में प्रमेय होती है। बुद्धिमान का बुद्धिहीन हो जाएगा, चेंजिंग है ये सब। प्रकाशन का गोपन, कोई भी चीज प्रकाशन करते हैं तो गोपनीय विभाग होता है, उसको गोपनीय तरीके से काम करता रहता है। मनसा का, मनसा वाचा कर्मणा, मनसा का क्या हो जाएगा? कर्मणा हो जाएगा। रसीला, रसीला आम का रस रसीला होता है। नीरस, नीरस यानी कठोर, ठीक है। आपकी वाणी बहुत नीरस है, मधुर होना चाहिए। लब्ध का प्रदत्त, सातत्व का सातत्व। अविषण का अपसरण, अनुरक्ति का विरक्ति। अनुरक्ति का क्या हो जाएगा? विरक्ति। अपेक्षित का अनपेक्षित,
अस्तित्व का अनास्त, अनाहूत, अनाहूत का क्या हो जाएगा, आहूत हो जाएगा, अस्ते का अस्ते, अर्जित का अनर्जित, असन का अनसन। अधोमुखी का उदरमुखी, बहुमुखी नहीं होगा, अधोमुखी का उदरमुखी, अपूरित का रिक्त, उन्नयन का पलायन, उन्नयन का क्या हो जाएगा, पलायन, पलायन वेग नहीं होता, 11.2। उदर का अधा, उपार्जित का अनुपार्जित, उष्ण का शीतल, ऐच्छिक, ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, अनैच्छिक, हृदय पेशी क्रियाएं होती, अनैच्छिक, कथ का अकथ, एक का पारलौकिक, ईश्वर का अनेश्वर, कृष्ण का शुक्ल, एक शुक्ल पक्ष होता है महीने में और एक क्या होता है, कृष्ण पक्ष होता है, और कृष्ण, कृष्ण मतलब सांवला काले, और श्वेत, श्वेत मतलब चारु का अचारु हो जाएगा। जंगली का घरेलू या पालतू पशु, गोप का प्रकाश, जाति का विजाति, और तिक्त, तिक्त का क्या हो जाएगा, तिक्त का तीखा, तीखा और मधुर, तीता नहीं होगा। आतप का तनवंगी, घन का निरुचता, नागरिक का ग्रामीण, निषिद्ध का विहित, निर्वंदित का अनिवंदित, पोषित का अपोषित, भक्ष का अवच, मनसा का कर्मणा, ये रिपीट हो गया। राष्ट्र प्रेम का राष्ट्रद्रोह, द्वेष द्रोह नहीं, राष्ट्रद्रोह। वरिष्ठ, देखो क्या होता है कि एक वरिष्ठ लिपिक होता है और एक कनिष्ठ लिपिक होता है, ठीक है, जैसे कनिष्ठ को जूनियर समझे और वरिष्ठ को क्या समझे, सीनियर, जैसे आरओ, आरओ में रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर में पहले क्या होता था, एलडीए, इसको ऐसे समझे, एलडीए लोअर डिवीजन, जो एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, और यूडीए अपर डिवीजन क्लर्क, ठीक है, यूडीए एलडीए बोलते थे। समावेशन का अनावेशन, दृश का अदृश, सुधा का हलाहल, अनायस का सायस, संग्रह, संग्रह का कोई भी चीज संग्रह करते हैं उसका ब्लूम अपोजिट विग्रह होगा, विस्तार का संक्षेप, बोलते नहीं कि इसमें 50 लाइनों में विस्तार करिए, 100 लाइनों में विस्तार करिए इस लाइन को, और बोलते हैं कि इसका भावार्थ संक्षेप में लिखिए, तो संक्षेप हो जाएगा, यानी संक्षिप्त से कोड़ना है। अनाथ का क्या हो जाएगा, सनाथ, जो बच्चा लावारिस होता है जिसका कोई नहीं होता है वो अनाथ कहलाता है, अनाथ का सनाथ, अथ का इति। आप लोगों ने देखा होगा जब कोई टीका भाषा वो खत्म होती है कोई किताब, तो उसके लास्ट में इति लिखा रहता है, थोक, बोलते नहीं भैया ये थोक की दुकान है, नहीं नहीं भैया ये परचून की दुकान है, यानी छोटी मोटी चीजें, थोक परचून, हे का ग्राह, सृष्टि, सृष्टि का रचयिता, सृष्टि का क्या हो जाएगा, सृष्टि हम लोग हैं, सृष्टि है, प्रलय आ जाएगा, भूचाल आ जाएगा, सब खत्म। मूक का क्या हो जाएगा, बाचाल, मानव का दानव, कृतज्ञ, देखो इसको स्टार लगाओ, कृतज्ञ और कृतघ्न, ठीक है, आज्ञा पालन करने वाला, पालन कराने, कृतक का कृतघ्न हो जाएगा। अनुराग, अनुराग का क्या हो जाएगा, विराग, किसी को ज्यादा लाड़ प्यार देते हो वो अनुराग कहलाता है, अनुराग का विराग। आशा का निराशा, क्षणिक, क्षणिक कोई भी चीज छड़क होती है, शाश्वत, सदा चलने वाली, शाश्वत, अनंत और अंत, अनंत मतलब अनंत काल तक चलने, अंत मतलब इसका पूरा हो चुका है, आदि का भी अंत होता है। अर्पण का ग्रहण, चांचल का स्थिर, निस्तार का संसार, क्रिया का प्रतिक्रिया, बहुत जुकाम हो, तांडव का लास, मधुर का कटु, सुधासिक्त का विषाक्त, व्यय का आय, आय व्यय होते रहते हैं, जैसे क्रेडिट और डिपॉजिट, आय व्यय। सूक्ष्म का स्थूल हो जाएगा, विकास का हास, गरिमा, किसी की वो नहीं भैया हमारी गरिमा बनाए रखना, आप लोग कोई ऐसा काम नहीं करना जिसमें गरिमा को कोई हानि पहुंचे, गरिमा का क्या हो जाएगा, लगिमा। आर्द्र, आर्द्र का क्या हो जाएगा, शुष्क, आर्द्र मतलब जैसे पानी बरसा है तो
और थोड़ी थोड़ी मिट्टी गीली है उसको आर्द बोलते हैं। आर्द का क्या हो जाएगा, विलोम शब्द, शुष्क हो जाएगा, यानी जस्ट अपोजिट करना है ना, इंग्लिश में बोले तो अपोजिट। तिमिर, तिमिर का क्या हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा, और ज्योति, तिमिर का डिक्शनरी में पढ़ेंगे तो अंधकार होगा, और विलोम वो ज्योति, ज्योति मीन्स प्रकाश। खेचर, खेचर का क्या हो जाएगा, भूचर, अनुचर नहीं भूचर। अति का अल्प, अति मतलब किसी भी चीज की यार आपने अति कर दी है, यार बहुत परेशान किए हो आपने तो अति ही कर दी है, तो उसको अति बोलते हैं। अल्प मतलब थोड़ा सा। ब्रह्म, ब्रह्म क्या, जीव, ब्रह्म परमात्मा जीव। अधुनातन का पुरातन हो जाएगा, अनुरक्ति का विरक्ति हो जाएगा, इसको स्टार मारो। उन्नति का उन्नति, प्राचीन, प्राचीन का क्या हो जाएगा, वो बोलते नहीं भैया ये बहुत प्राचीन मंदिर है, प्राचीन का क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट अर्वाचीन हो जाएगा, मूक। जैसे पंगु चढ़ाए गिरवर गहन, मूक होए बाचाल, यानी मूक भगवान के श्री चरणों में आके मतलब गहरे गूंगे भी बोलने लगते हैं, और वो क्या हो जाते हैं, वाचाल हो जाते हैं, मूक यानी मूक बधिर, बोलते नहीं है, वाचाल। पंगु चढ़ाए गिरवर गहन, जा सुख पास दयाल। मृदुल, मृदुल मीन्स क्या, मृदुल का अपोजिट क्या हो जाएगा, रुक्ष। करुण का क्या हो जाएगा, बहुत यार करुण ही हो यार, बहुत ही खड़ूस ही हो का। निर्दयी, व्यास का क्या हो जाएगा, व्यास का समास, तो अगर आप लोगों को समास दे दिया तो समास का आधा व्यास, व्यास की आदि क्या होती है, त्रिज्या होती है, ठीक है, व्यास की आदि क्या होती है, त्रिज्या होती है, मैथिली सीख लो, सब कुछ सिखाएंगे। रास, रास का विकास, कृत्रिम का प्राकृतिम, इधर बच्चे कन्फ्यूजिया जाते हैं कि कृत्रिम और प्राकृतिम एक ही चीज है, ठीक है, एक ही चीज नहीं है, ये अलग अलग चीज है, कृत्रिम अलग चीज है, प्राकृतिक अलग चीज है। मौखिक, मौखिक का लिखित, ठीक है, मौखिक का लिखित। सकारात्मक का क्या हो जाएगा, नकारात्मक। मौखिक का क्या हो जाएगा, लिखित। सकारात्मक क्या क्या हो जाएगा, नकारात्मक। उर्वर, उर्वर का क्या हो जाएगा, उषण। भूषण का क्या हो जाएगा, दूषण। रात्मक का धनात्मक। धर्म का क्या हो जाएगा, अधर्म। अर्वाचीन, अर्वाचीन का प्राचीन, शोषक, शोषक। जैसे अमरबेल नहीं होता है कि शोषक, अमरबेल क्या है, पेड़ में चिपकी रहती है और उसी से अपना खाद्य पदार्थ लेती रहती है, ठीक है, जड़ों से पानी लेगी बट उससे वो लेगी। शोषक का क्या हो जाएगा, पोषक। विपत्ति का संपत्ति, दक्षिण का बाम, दक्षिण का पश्चिम भी हो सकता है बट इधर पे बाम। परोक्ष का प्रत्यक्ष, निर्लज का सलज, अधूरा का पूरा, आम का खास, बोलते नहीं भैया वो बहुत खास व्यक्ति हैं, अरे यार वो तो सब आम लोग हैं, ठीक है, वाक्य में प्रयोग करके हम लोग सिखा रहे हैं ताकि आप लोगों को याद बना रहे। भौतिकवादी, ये क्या है, भौतिकवादी है, यानी सब पे निर्भर हो गया है। वो अध्यात्मवादी क्या होता है, जो अध्यात्म के ज्ञान पे बल देगा। निरत का ध्रत हो जाएगा, काल्पनिक का वास्तविक हो जाएगा, बोलते नहीं भैया कल्पनाएं करते रहो, देखने में क्या जाता है सपने, कल्पनाएं करो, आप कल्पना करो कि कल राजा बन जाओ। काल्पनिक का क्या हो जाएगा, वास्तविकता से परिचय करो। यवन, यवन क्या होता है, जवानी को यवन बोला जाता है, जरा, जरा किसको बोला जाता है, बुढ़ापा को। मैं इसका इसलिए डिटेल कर रहा हूँ, ये जो हॉट वर्ड है, ठीक है, एक जैसे यूपीएससी आप लोग देंगे, यूपीएससी आईएएस का पेपर, तो उसमें क्या है, जैसे आपको बता रहे हैं आप, जैसे आप लोगों को द हिंदू, द हिंदू इंग्लिश का राज एक्सप्रेस और द हिंदू, ये क्या है, इंग्लिश टू इंग्लिश पेपर है, तो जो आईएएस वाले होते हैं वो द हिंदू पढ़ते हैं, उससे न्यूज का कलेक्शन करते हैं, और इसमें एक एडिटोरियल टाइप का भी पेज आता है, ठीक है, ये सब बताया गया था दे आई इसमें मेरे को। उसमें क्या है, एक हॉट वर्ड, हॉट वर्ड नाम से एक, मैं हॉट वर्ड क्या बोल देती हूँ, मतलब लाइट में जो भी वर्ड रहते हैं, जैसे हिट एंड रन मामला हुआ, ये वर्ड, तो हॉट वर्ड की एक बुक आती है, ठीक है, 40-50 रुपए की आती थी,
उसमें न्यूज़पेपर रीडिंग के जो हॉट वर्ड रहते थे जिससे हम लोगों को उसका अर्थ पता चल जाए, तो उसमें वो लिखे रहते हैं वो अगर हम लोग करना। और इंग्लिश की अगर बहुत अच्छी एक बुक है वर्ड पावर, दिलीप कुशवाहा की वर्ड पावर। दिलीप कुशवाहा पहले इसमें कैरियर पॉइंट यहाँ पे कंपनी गार्डन के पास में है, इसमें पढ़ाते थे नसीम सिद्दीकी और दिलीप कुशवाहा। इंग्लिश की ये वर्ड पावर है, उसमें बहुत वर्ड पावर दिया गया है, तो उसमें इंग्लिश के लिए बेस्ट बुक है जो SSC वाले हैं उन लोगों के लिए। नए लड़के जुड़े हैं, पुराने लड़के तो सभी जानते हैं। चलिए बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई, हिंदी से इंग्लिश में पहुँच गई IAS तक। ठीक है, तो यौवन, यौवन माने क्या होता है, जवानी होता है, और जरा, जरा माने क्या होता है, बुढ़ापा। इसका अध्ययन जो बुढ़ापे का जेरेंटोलॉजी, अगर साइंस में बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो उसको इंग्लिश में जेरेंटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, बुढ़ापे को। चलिए, सदय का क्या हो जाएगा, निर्दय हो जाएगा। सामिस का क्या हो जाएगा, निरामिस। ये आरओ एआरओ में क्वेश्चन आ चुका है, आरओ एआरओ में UPPCS के थ्रू। सामिस का निरामिस, संयोग का वियोग, विघटन का संगठन। आप लोग बस बने रहिएगा चैनल पे कंटिन्यू, ऐसा नहीं है, आप लोगों को कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलेगा। उपेक्षा का अपेक्षा, अनायास का सायास, आविर्भाव, ये भी आरओ एआरओ में आ चुका है। अनायास जो आविर्भाव का त्रोभाव, इति का अर्थ। ये जंगम, जंगम स्थावर, जंगम यानी जो चीज चल सके, ठीक है, जैसे हम लोग इधर उधर चल सकते हैं। स्थावर यानी पेड़ की बात कर लेते हैं, तो एक जगह स्थिर हो जाते हैं। वो नहीं बोलते, अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, बैक टहनियों पे दूर कहीं हम लोग जाते, अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते। बच्चे सब हमारे स्कूल में प्राइमरी में सब पढ़ते रहते हैं। देखो तो जंगम, ये इसको भी स्टार लगाओ, क्योंकि जंगम का क्या होता है, डायरेक्ट स्थावर होता है। ए बी आर ओ ए आर ओ UPPCS में क्वेश्चन आ चुका है। रुक्ष का स्निग्ध, बहिरंग का अंतरंग, आशा का निराशा। बहिरंग भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आ चुका है। सारे क्वेश्चन सिलेक्टिव हैं। अग्र, अग्र का क्या हो जाएगा, अग्र, अग्र का हो जाएगा व्यग्र। पुरुष का स्त्री, अनिवार्य का वैकल्पिक। बोलते नहीं है, जैसे क्या होता है कि पहले UPPCS में वैकल्पिक विषय की व्यवस्था थी, ठीक है, और अनिवार्य विषय है कि ये तो कंपलसरी है। वैकल्पिक विषय में क्या होता है कि आप लोग कितने सब्जेक्ट, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, कोई किसी से मेंस देता है, कोई किसी से देता है, तो वो अपना चुन सकते हैं। बट अब यूपी स्पेशल कंपलसरी हो गया है। और जैसे UPSC IAS में क्या होता है कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर 300-300 नंबर का होता है, वो दोनों लोगों के लिए कंपलसरी है। इसके नंबर नहीं लेंगे, बस आप लोगों को पासिंग एरिया क्राइटेरिया क्वालिफाई करना है। समष्टि का क्या हो जाएगा, व्यष्टि। कलुष का निष्कलुष, उपत्यका, जमीन की निचली तलहटी को उपत्यका और अधिपत्यका। दिवस का विभावरी, उद्यम का आलस, दृष्टि अंधकार, आचार अनाचार, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, प्रत्यक्ष का परोक्ष, अपव्यय का मितव्यय। अनावरण का, जैसे आवरण, आवरण नहीं चढ़ा देते, अनावरण, कोई भी चीज का अनावरण हो रहा है, आवरण। आमिस, आमिस ये भी आरओ एआरओ में क्वेश्चन आ चुका है। आमिस का निरामिस, स्थावर का जंगम, अनभिज्ञ का अभिज्ञ, अंतरंग का बहिरंग, शाश्वत क्षणिक, मौन मुखर, संपन्न विपन्न। गरिमा का लघिमा, अनाज सनाज, सकारात्मक नकारात्मक, उर्वर उर्वर। उर्वर क्या है, ऊसर। ऊसर जमीन होती है जिसमें, जिसको बंजर जमीन भी बोलते हैं, जिसमें कुछ नहीं होता है उसको ऊसर बोला जाता है, उर्वर। जैसे बोलते नहीं है कि हम लोग खाद डालते हैं जैविक खाद, तो उसमें जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है यानी पैदावार बढ़ती है, ठीक है, उर्वर ऊसर में अंतर समझ गए। इससे क्या होगा, आप लोग जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, सॉर्ट आउट करेंगे मैटर। भूषण का दूषण, ऋणात्मक का धनात्मक, धनात्मक, धर्म का अधर्म,
अर्वाचीन का प्राचीन। शोषक का पोषक, विपत्ति संपत्ति, दक्षिण नाम परोक्ष प्रत्यक्ष। पाश्चात, पाश्चात का क्या हो जाएगा, एक तो होता है पौरसत्य और एक हो जाएगा पौवार्थ। निर्मल मलिन, महान शुद्ध, स्वार्थ निस्वार्थ। अभिकान्वय, गमन आगमन, तिमिर आलोक, प्राचीन अर्वाचीन। ये रिपीटेड हो रहे हैं क्वेश्चन ज्यादा। कृतज्ञ का, कृतज्ञ राजा का, राजा का देखो कितना हो जाएगा। देखो अगर हम लोग विलोम शब्द का किससे निर्धारण होता है, विलोम शब्द रूल पे चलते हैं, जैसे अगर लिंग के आधार पे हम लोग करेंगे तो राजा का रानी हो जाएगा फैक्ट, और अगर उसका जस्ट अपोजिट करेंगे तो जो राजा होता है रंक, रंक माने क्या होता है, भिखारी, जिसके पास कुछ ना हो, राजा यानी सब कुछ हो, और एक राजा की प्रजा भी होती है। मौखिक बोलते नहीं है भैया, आप तो ओरल है, यानी मौखिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे या रिटर्न में लिया जाएगा। मौखिक का लिखित, अल्पज्ञ का बहुज्ञ। अत का इति, थोक का प्राचीन, हे का ग्रास, सृष्टि का प्रलय। मूक वाचाल, मानव दानव, कृतज्ञ कृतज्ञ, अर्पण का ग्रहण। चांचल, चांचल का क्या हो जाएगा, स्थिर, कलुष का निष्कलुष। ठीक है, तो 51 पेज के जो भी क्वेश्चन थे, इसमें 5 से 10 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो मैंने आरओ यारो और यूपी पुलिस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैंने आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन कराए हैं। अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आए तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो को शेयर भी कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका प्रदीप सर।